प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज आपके साथ मैं इंद्रजीत सिंह, अध्यक्ष परिवहन पंचायत। आज हम चर्चा करने आए हैं समस्या या समाधान। बहुत सी बातें होती हैं जिसको हम लोग समझकर भी अनजान बन जाते हैं। आज की वीडियो में पैनिक बटन पे करने जा रहा हूं। तमाम तौर पे आप लोग महसूस करते हैं कि हमारी जो बात होती है वो कहीं पहुंच नहीं पाती। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा माजरा क्या है। क्या यह लोगों के घर भरने के लिए लगवाया जा रहा है, क्या यह सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है और कितना कामगार है। अगर आपको ये लगे कि हाँ वाकई में ये जो आज का वीडियो था ये कहीं हमारे कामगार है, तो जितने भी आपके जानकार मित्र हैं उनको ये शेयर करो, जितने रिश्तेदार उनको शेयर करो, जिससे गवर्नमेंट की मंशा के बारे में पता लगे कि आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है। क्या कुछ लोगों को फायदा देने के लिए काम कर रही है या समाधान के लिए काम। हम आते हैं कि क्या स्टोरी है। अभी आपको मालूम होगा कि पैनिक बटन का एक चलन पूरे देश में चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है केंद्र सरकार की, उन्होंने आदेश पारित किया है। उस आदेश में कहा गया है कि महिला सुरक्षा को लेकर एक पैनिक बटन लगाए। पैनिक बटन क्या है? पैनिक बटन दोस्तों आपके गाड़ी के अंदर पिलर पे लगता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, बस है तो बस में 8 लगेंगे इधर, 8 इधर, 16 लगेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण सेवा और बाकी गाड़ियों में भी लगेंगे। इसका महत्व, इसकी जरूरत क्यों पैदा हुई, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि निर्भया कांड हुआ था हमारे दिल्ली के अंदर, जो काफी शर्मसार था, बहुत दुखदायी घटना थी, कभी नहीं होनी चाहिए। आपके परिवार में, मेरे परिवार में, सबके परिवार में माँ है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं। तो 2012 की ये घटना ने सबको हिला के रख दिया और पुलिस की नाकामयाबी साबित कर दी। आनन फानन में बहुत से फैसले हुए, यह कर देना चाहिए, यह कर देना चाहिए। मैं यहां आपको रोकना चाहूंगा। आपने एक सूचीबद्ध तरीके से ये तय कर लिया कि जो चालक है वो क्रिमिनल है, ये तय कर लिया, इसीलिए आपने उसके ऊपर नेता प्रति कुछ तो कुछ बढ़ना। आप गौर से सुनिए, क्या राजनीति मंत्री, एमएलए, सांसद रेप के शिकार में कभी जेल नहीं गए? आईएएस अधिकारी जो कि बड़े लेवल के अधिकारी हैं, क्या उन पर ये चार्ज नहीं लगा? और तो और हमारे प्रहरी जिन्हें हम पुलिस कहते हैं, उनके डीएसपी एसपी आपस में, डीएसपी एसपी का मामला पीछे बहुत चल के आया था, और एक पंजाब के बहुत बड़े अधिकारी थे, उनने एक आईएएस अफसर को भरी पार्टी में छेड़ा था। वकील, आम नागरिक, हर आप अस्पताल में खबर पढ़ते हैं कि डॉक्टर ने चेकअप के बहाने इस तरह से कार्रवाई कर दी। शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ, तो ये जब सबके साथ होता है तो आप एक ही चीज को टारगेट क्यों करते हैं? यहां दोस्तों मैं जिस समुदाय के लिए, जिसके लिए बात कर रहा हूं, वो सब लोग जागरूक हो जाएं और ये सोचें कि अगर इस तरह से आपको टारगेट किया जा रहा है तो आपकी जो छवि है वो धूमिल की जा रही है, आपको दोषी करार दिया जा रहा है। जब सब धर्मों में गलत प्रवृत्ति के आदमी मिलते हैं, जब हर व्यवसाय में आप लोग देखते हैं, अच्छे अच्छे कार्यालय में रोज ये घटना आती है। अभी फिल्म स्टारों मी टू प्रोग्राम चला था, उसमें भी आया था किसने किस पे आरोप लगा दिया, उन चेहरों पे आरोप लगा दिया जिनके बारे में हम कभी उनको हम अच्छे अवतार के रूप में जानते हैं कि वो बहुत अच्छे थे, पर आरोप लगा है। ये स्वाभाविक है, ये मन है, मन किसी का किस प्रकार का है ये कोई नहीं जानता। सुरक्षा होनी चाहिए, मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर हूं, सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा के आड़ में शोषण नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा जब निर्भया कांड हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि भाई तुरंत निर्भया फंड बनाया जाए। निर्भया फंड में कई करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, उसमें साफ साफ लिखा गया कि आप लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी, आप लोगों ने बस से कर्टन हटा दिए, गाड़ियों से फिल्में उतरवा दी, अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए आपने दूसरे पर थोप दी। आपने क्या क्या किया? उनको कहा गया कि जितने अंधेरे क्षेत्र हैं
वहां पर लाइट और सीसीटीवी की जरूरत की जाए। क्या आप लोग सब जानते हैं कि सब अंधेरे जगह पर लाइट लग चुकी है? आपकी गली की लाइट अगर खराब हो जाए, आप फोन भी करते हैं तो कभी कोई लगाता है? सीसीटीवी की बात अगर हम करते हैं तो क्या सारे वर्किंग करते हैं? नहीं करते। पैनिक बटन क्या है? पैनिक बटन आपकी गाड़ी में एक यंत्र है जिसका कंट्रोल एक कंट्रोल रूम में होगा। कंट्रोल रूम से मॉनिटर होगा और वहां से वो सारे कार्य करेगा। अब कंट्रोल रूम का जब सवाल आपने किया तो मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। 2012 में ये घटना घटी। उसके बाद में नोटबंदी हुई। नोटबंदी के अंदर आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, 12 के बाद हुई। तो तब तक तो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काफी कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। मुझे मौका लगा, हमारे एक मित्र के पैसे छीन लिए गए कमला मार्केट थाना क्षेत्र में, जाकिर हुसैन कॉलेज के सामने। सुबह 7 बजे की घटना थी। मेरे पास फोन आया, मैंने थाने में फोन किया, मुझे थाने में जाने का मौका मिला। मैंने वहां जब गया वो पॉइंट पे, तो मैंने वहां 8 सीसीटीवी कैमरे देखे। मैंने सल्यूट किया उस सरकार को, उस सिस्टम को, कि इन्होंने बड़े अच्छा काम किया। पर मेरा वो फक्र, वो मेरी जो उनको सल्यूट था, वो कुछ पलों में धूमिल हो गया। मैं वहां से निकला, 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर कमला मार्केट थाना है, वहां पहुंचा। थाना अध्यक्ष से बात हुई, वहां वर्किंग स्टाफ से बात हुई। मैंने अपनी परेशानी बताई तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद मुझे उस रूम में ले जाया गया जहां पर बहुत से टीवी लगे हुए थे जिससे कि वो रिकॉर्ड हो रहा था। अब यहां बात आती है बड़ी ताज्जुब वाली बात, कि वहां पर जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनके अंदर टीवी चल रहे हैं, लेकिन 4 पॉइंट वहां पर फ्लैश कर रहे हैं। वह कोई अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं बैठा, कोई देख रहा हो, कोई नहीं देख रहा। बात हुई, कुछ घंटे वहां बिताने के बाद साहब ने एक महिला कर्मी की ड्यूटी लगाई। उनको जब लेके अंदर दोबारा गए तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारे 15 दिन से खराब हैं और 15 दिन से हमने कंप्लेन दे रखी। अब आप मेरी बात समझ गए कि जो सिस्टम गवर्नमेंट ने लगाया है, कंप्लेन दे रखी है और उस सिस्टम को देखने वाला कोई नहीं है, यही पैनिक बटन का होने वाला है या हो रहा है। आज हम दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से पूछते हैं, क्या आप हमें वो सिस्टम दिखा सकते हैं जहां पर ये कार्य चलता हो, जहां ये कार्य हो रहा हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं। दूसरी बात मैं बता देता हूं, आपने बोला ये पैनिक बटन है, पैनिक बटन लगा होगा गाड़ी में, उसको दबाने की बात करते हो। अब वो शख्स जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, एक शख्स जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो वो सब कुछ जानता है कि वो टेम्पर हो सकता है। वो बैटरी से एक तार को हटा देगा, बटन से एक तार को हटा देगा, तो आपका बटन कहीं नहीं जाएगा। जब वो टेम्पर प्रूफ नहीं है तो वो गाड़ी में क्यों लग रहा है? और वो लग रहा है तो 14,000 रुपया टैक्सी वाला क्यों दे रहा है, 60,000 रुपया बस वाला क्यों दे रहा है? सवाल है, सवाल उठाने से बात बनेगी। आज हम लोग आपस में जितना इसको वायरल करेंगे, ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगा, गृह मंत्रालय तक पहुंचेगा, ये केंद्र सरकार में पहुंचेगा, ये दिल्ली सरकार में पहुंचेगा, ये अन्य राज्यों में पहुंचेगा, कि हाँ यह जो पैनिक बटन है, जो 14,000 रुपये मात्र एक बटन से लगाने से जीपीएस से कनेक्ट वहां हो रहा है, अगर वो एक तार रिमूव कर देगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मात्र एक तार हटानी है, प्लग में से तार हट गई, बटन दबाएगा, दबाते आपकी घर की घंटी होती है, आप बजाते हो और तार पीछे से निकल जाए, फ्यूज निकल जाए, तो आप दबाओगे तो नहीं बैठती ना, सब लोग जानते हैं। अब आते हैं कि क्या होना चाहिए। सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को हमारे आदरणीय गृह मंत्री राजनाथ जी ने हिम्मत ऐप एक लॉन्च करी। किसमें लॉन्च करी? मोबाइल फोन प्ले स्टोर। दिल्ली पुलिस ने बहुत उसका महिलाओं के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जहां मौका लगता है प्रचार किया। अब एक बात बताएं, यह मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं अपनी सीट पर बैठा हूं, मेरे से थोड़ी दूरी, 4 फुट की दूरी पे, 2 फुट की दूरी पे ड्राइवर होता है। अगर वो गलत इरादा रखता है, कुछ भी है, तो मात्र शेक करने से मेरा अलर्ट किसको जाएगा, मैं आपको बता दूं। हिम्मत ऐप के फायदे क्या?
फोन शेक करने से अलर्ट किया जा सकता है, पावर बटन लगा होता है, पावर बटन द्वारा अलर्ट किया जाता है, साफ बटन द्वारा अलर्ट किया जाता है, पुलिस को कॉल बैक करने की सुविधा उसमें आ जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग अलर्ट वहां हो जाता है, SMS आपके परिवार आपके मित्रों 5 लोगों को वो इतना मात्र कर देने से आपके परिचितों को उसका एक न्यूज़ पहुंच जाती है कि जिसका ये नंबर है वो संकट में, बच्ची है, महिला है, माता है, कोई भी है, संकट सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं आ सकता, मानसिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, किसी प्रकार से आ सकता है। तो ये हिम्मत ऐप जो अगर है इसको अगर बनाया गया, और निर्भया फंड भी बना हुआ है, और जो भी महिला गाड़ी बुक करती है, जो भी बच्ची हमारी गाड़ी बुक करती है, वो मोबाइल द्वारा बुक होती है। जब मोबाइल द्वारा गाड़ी बुक होती है तो उसके अंदर ऐप प्ले स्टोर से हिम्मत डाउनलोड करने से और मात्र ऐसे कर देने से, शेक कर देने से अलर्ट नजदीक के थाने में जाएगा, अलर्ट नजदीक के थाने में जाएगा, आपके रिश्तेदारों में जाएगा, आपके मित्रों 5 लोगों को अलर्ट तभी पहुंच जाएगा। ये सिस्टम ब्रेक नहीं किया जा सकता, तार हटाई जा सकती है, सुरक्षा किसकी है? आप लोग इस बात को ज्यादा जानते हैं, किस तरह से इसको परेशानी कर सकते हैं, किस तरह से दुविधा कर सकते हैं। तो आज सरकार क्या साबित करना चाह रही है कि कुछ राजनीतिक लोगों के परिचितों को एक वो पॉइंट बना के, हाँ लाइए ना, पैनिक बटन लाइए, निर्भया फंड के अंदर से उसमें लगाइए और टेम्पर प्रूफ उसको बनाइए कि उसको कोई टेम्पर ना कर सके, उसको कोई हटा ना सके, फिर मानते हैं कि ये ठीक है। जब हमारी नीतियां खोखली हैं, आधारहीन हैं, तो क्या हमारी गाड़ी में पैनिक बटन लगना चाहिए? ये सोचने का विषय है। महिला सुरक्षा के लिए हमने हमेशा कहा है, महिला मेरे घर में मेरी बेटी भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरी माँ भी है, बहन भी है, उन सबकी सुरक्षा के लिए हम लोग पूर्ण जोर काम करते हैं और काम होना चाहिए, लेकिन अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए व किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आप एक पैनिक बटन उन गाड़ियों में लगा दें जो स्वयं रोजगार करते हैं। टैक्सी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर चालक ही मालक है, मालक ही चालक है, वह आदमी गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहा, परंतु उस पर रोज कभी गति नियंत्रण, कभी स्पीड गवर्नर, कभी पैनिक बटन, कभी फला कभी फला। आज आप एक बात बताएं, दिल्ली के अंदर जहां जहां रडार लगता है वहां पर अगर 40 की स्पीड है तो वो कमर्शियल गाड़ी को है, तो वो प्राइवेट कार को भी है। तो आदरणीय मित्रों, आपका ये सोचने का विषय है कि अगर वो कार में प्राइवेट में भी है तो आज गवर्नमेंट प्राइवेट कार में 40 की स्पीड क्यों नहीं बांध रही, आज प्राइवेट कार में 80 की स्पीड क्यों नहीं बांध रही? सोचो, गंभीर हो और इस वीडियो को ज्यादा फैलाओ, अपने विचार दो, और आप इस तरह से सरकार से क्वेश्चन पूछो कि जब हिम्मत ऐप है उसमें सारी सुविधाएं हैं और वो सुरक्षित भी है, पैनिक बटन की तार मात्र हटा देने से वो कार्य नहीं करेगा, और आप ये बता दें निर्भया कांड के बाद हम नहीं चाहते कोई ऐसा कार्य हुआ हो और ना भविष्य में हो। बहुत से प्रवृत्ति के गलत लोग आते हैं, उनके लिए हम कहते हैं कठोर से कठोर उनको कारावास दंड दिया जाए, उसमें कोई लिहाज नहीं कर रहा। पॉलिसी की बात है, पॉलिसी जरूर बननी चाहिए उस काम के लिए जो सही हो। जब आपके पास हिम्मत ऐप है, केंद्रीय गृह मंत्री ने लॉन्च किया है, दिल्ली पुलिस उसको कहती है बिल्कुल ठीक है, किसी महिला से पूछ कहती ठीक है। और एक सवाल और, जाते जाते ये जब अपने रिश्तेदारों को भेजोगे उनके लिए है, आप में से कोई महिला एक ये कह दे कि जिस गाड़ी में आपने सफर किया उस चालक ने कभी आपको बुरा कहा हो, क्योंकि यहां अतिथि देवो भवा, भगवान का दर्जा दिया जाता है ग्राहक के लिए। वो लोग अलग होते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज से जबरदस्ती काम करने के लिए वो गाड़ी लेकर रोड पर निकलते हैं, जैसे कि आप देखते हैं दिल्ली की या और मेट्रो सिटीज के अंदर शाम के टाइम में सड़कें रंगीन होती हैं, लोग निकलते हैं अपनी गाड़ियों में, कोई मदिरा पान करता है, कोई कुछ करता है, तो वो प्रवृत्ति के लोग को हम कभी बख्शना नहीं चाहते, पर यह कहकर एक समुदाय को बुरा कहोगे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए और आगे तक जाएंगे। आशा करता हूं मेरी इन सब बातों से आप लोग सहमत होंगे, और अगर सहमत होंगे तो जितनी वीडियो ज्यादा वायरल होगी हमारी बात दूर तक जा पाएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।